तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना बेफिकर, मोहताजी मंजिल का तो नहीं है, है ये एक तरफा मेरा सफर सफर। Hey guys, welcome back to our new vlog। तो आज वो है मंडे और आज भी हमारा प्लान था कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाए पूरी फैमिली, बट ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि आज जो है काजल का एक वैक्सीन सेंटर पे जो है कुछ एक कैंप लगा था, वहां पे वैक्सीन लगानी थी कोविड की। सो ये चीज जो है कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि स्पेशली बुलाया गया था वहां से, तो वो तो चली गई भाई, तो वो चली गई तो हम लोग गए भी नहीं। शायद से हम लोग कल जाएंगे, शायद से, क्योंकि कल का भी उतना फाइनल नहीं है, शायद से कल भी जो है काजल को बुला लिया जाए वहीं कैंप पे। फिलहाल तो अभी वो घर पे नहीं है, 2 घंटे पहले गई है 8 बजे सुबह सुबह ही, अब पता नहीं उसकी छुट्टी कब होगी। उसने बोला है कि लेने आज भी मुझे केटीएम पे। सो फटाफट से पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं भाई, 10 बज गए हैं। और एक मिनट, मैगी बनी है क्या आज मम्मी? हाँ। भाई साहब बता ही नहीं गया कि मैगी बनी है। तुम्हारे लिए बना है? सिर्फ मेरे लिए, और क्या? आप लोग? हम लोग तो रोटी खाएंगे। तो उतना सारा बना, इतना सारा थोड़ी ना खाऊंगा मैं। अब यार स्कूटी जाने के बाद ना यहाँ पे एकदम खाली खाली है, आराम से अब केटीएम घूमती है और निकल जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वरना भाई पहले तो केटीएम को इधर करो, स्कूटी को उधर करो, ये साइकिल इधर करो, जब जाके निकल पाती थी। ओए जैको, ले तेरे डॉक्टर साहब को ले आया मैं, वैक्सीन लगवा ले। रो रहा था रे, ये हाइट नापता है क्या, ये दोनों पैर उठा के ऐसे करके? देख विपुल, फोटो मैंने लिए थे वैक्सीन लगाते हुए, ये देख लगाया। ये एक वीडियो है। वीडियो ही बनाया तूने? हाँ, बनाने दे रहे थे वहाँ वीडियो। और क्या, अपना ही घर है वो। अपना घर? मतलब स्कूल था तो यहाँ पे ये वैक्सीन लगाने जा रही है, देखते हैं भाई वैक्सीन कैसे लगाती है। दर्द नहीं होता वैक्सीन लगाने पे? कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा प्रिक होता। देख कुछ भी दर्द हुआ इनको, आराम से लगवा लिया। देख फोटो भी खिंचा रहे, वो भी अपने फोन में खिंचवा रहे थे, क्योंकि ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो वैक्सीन लगवाने जाता है ना वो फोन लेके जाता है, बोलता है हमारा भी एक पिक ले लेना। हम भी जाएंगे, हम भी भाई पिक लेंगे और हम भी स्टेटस पे लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। जैकी हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। अबे बड़ा ढीठ है, हेलो कर, अबे हेलो करना, काट क्यों रहा है? बताऊंगा तुझे, कोई नहीं। दूध लेने चलो ना। दूध लेने? हाँ। आप ले आओ। देख लेना तो कभी कभी ला देना। अरे यार पबजी खेल रहा था मैं अभी। कोई बात ना, लगेगा 10 मिनट और क्या। चलो आ रहा हूँ। सबके घर में यही सीन है भाई, पबजी वगैरह खेलते रहो, गेम वगैरह खेलते रहो, आएंगे कहेंगे सब्जी ला दो, दूध ला दो, ये ला दो। आपके भी घर में होता होगा भाई, जब भी खेलने बैठो, जब अभी एक भी मैच नहीं खेला मैंने बीजीएमआई का, बैटल ग्राउंड वाइल इंडिया का, और आ गई दूध लेने मम्मी। तेरी मोटी पानी पीते रहती है बस। मैं थक गई हूँ आज बहुत ज्यादा, 200 लोग की वैक्सीन लगी है, उसमें से 50 तो मैंने लगाए। नहीं मिला अभी? नहीं निकला है ना। ले लो जल्दी जाके। मम्मी तो दूध ले रही है, हम चलते हैं भाई मार्केट। भाई गोलगप्पे पैक कर दियो 50 रुपए के। क्या दूध? ओए तू क्यों आ गया बे? हैं? तेरे लिए थोड़ी है ये गोल, अकेले तो मैं खाऊंगा नहीं ये। मम्मी मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी पापा सभी हैं घर में, सब आ जाओ जी। तो पानी लेके आ गए भाई, गोलगप्पा देख लिया पापा ने पहले ही। जीवन है, पानी तो जरूरी है। प्लेट लेकर आना, प्लेट और कटोरी वटोरी बहुत सारी। भाई इतना सारा ले आई मम्मी कटोरी, इतने ही क्या जरूरत थी? अरे तुम बड़े चलाको भाई, अपने अपनी कटोरी अपने साथ लेके आ रहे हो। और क्या, बहुत दिन बाद गोलगप्पे खाने को मिल रहे, 1 महीने बाद। इसने कहा था ना कल बर्गर या फिर फ्रेंच फ्राइज ले, तो गोलगप्पे ले आया आज। कल तो ओपन था ही नहीं हमारी तरफ। भाई लड़कियों को ये ज्यादा गोलगप्पे पसंद होते हैं मम्मी। मैं कभी नहीं खाती गोलगप्पे। जैकी 2 रुपए दियो बस, गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पे, एक केक, एक केक, गुपचुप, पानी पूरी, बहुत नाम है। हम लोग तो भाई गोलगप्पे बोलते हैं हमारे तरफ। और हमारे गांव में दादी वगैरह गुपचुप बोलती हैं। गुपचुप? चुप चुप गुपचुप, गुपचुप गाना नहीं है। इससे अच्छा तो घर का गोलगप्पा था हमारा, जो हम बनाते थे।
भाई मार्केट से अच्छा तो मुझे घर का लगता है, क्योंकि ये फूट जा रहा है ना पानी लेते ही। टेस्ट भी नहीं उतना अच्छा, मम्मी हाँ। बनाती है ना गोलगप्पे, इतना ज्यादा तीखा रहता है, खाना मुश्किल हो जाता है। वो रेडीमेड गोलगप्पे रहते हैं बस उस... मुझे तो ऐसा लग रहा है तीखा मम्मी इसलिए बनाती है कि खुद खा सके, हमें नहीं मिले। हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना, मम्मी को मना करने की जरूरत ही नहीं है। तीखा ज्यादा पसंद पड़ता है ना। अब मैं कर लूँ कुछ काम वगैरह, जब तो दूध लेने के लिए तो आपने भेज दिया, उसके बाद इतना टाइम हो गया। भाई टाइम देखो आप लोग, बस कितना हो रहा है, 7 बजने वाले हैं, अभी 10 बज जाएगा। देखो अभी नहीं, यानी 8 या 8:30 बजे तक अंधेरा होएगा, उसके बाद आधे पता है हमारे तो ऐसे ही 8-9 तो ऐसे ही बज जाते हैं, पता ही चलता है ना बिल्कुल। हमारे क्या भाई, तेरे लिए अलग क्यों हो रहे हैं क्या, सबके तो एक ही हो रहे हैं। तो अभी हम लोग ऊपर से आए, और ऊपर से आते ही दीदी को जो है, दीदी का पुराना डायरी मिल गया, इसके अंदर इसने गाने शायरी सारी चीजें लिख रखी है। इसमें तो पूरी शायरी शायरी है, गाने। ये मेरी ना 10th क्लास की डायरी है, और ये मेरी 12th क्लास की। तो अब इसी बात पे एक गाना हो जाए दीदी। पहले बहुत शौक था इसे गाना लिखने का, गाना गाने का। वैसे इतना भी अच्छा नहीं गाती हूँ, चल बेकार गाती हूँ मैं। तो गा तो सही, जब तो देखेंगे। गाई थी माइक वगैरह पे गाना, फिर जब देखेंगे बेकार है या अच्छा है। तू सफर मेरा, तू ही मेरा मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी तो है तू लाजमी। बस इतना ही। दूसरा स्टेप गाती हूँ। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी, पैरों में है जीने का कोई दूजा तरीका, ना मेरे दिल को मालूम है तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना बेफिकर, मोहताजी मंजिल का तो नहीं है, है ये एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी तो है तू लाजमी, अधूरा बस आता नहीं है। तो गाइस, तो किसी का जो है कान वान फटा हो, कानों से खून आया हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। एक गाना और बस कलंक ना, अब कल गाना गाएंगे। गाइस बताना इसके गाने कैसे आपको लगे, कैसे गाती है ये। वैसे सही है यार, प्रैक्टिस नहीं करती ना, ये प्रैक्टिस करेगी तो सही हो जाएगा। देखे गाया मैंने, कल भी गाएगी फिर, लोग कहेंगे तो गाऊंगी, अगर कमेंट में आया ना तो कल फिर एक गाना हो जाए। गाइस कमेंट कर दो दबा के भाई। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा, सो चलो गाइस, तो वीडियो का एंड कर दे दीदी भाई। तो मैं एक कहती हूँ कि गाइस चैनल को सब्सक्राइबर, मतलब चैनल को बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, 1,00,000 तक पहुँचाओ जल्दी जल्द। बड़ी अच्छी बात कह दी तूने। यार आप लोग भूले बिछड़े आते हो चैनल पे, वीडियो देख के चले जाते हो, इसको अपना घर बनाओ इस चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। घर बनाओ भाई, क्या क्या बोल दिया, मतलब आप हमसे कनेक्ट रह सके। तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आ गया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन आ रहा है उसे भी ऑल पे सेट कर लेना। हम मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में कल सुबह, जब तक के लिए बाय।